आज छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का बड़ा महत्वपूर्ण और गरमामयी कार्यक्रम था और पिछले दिनों छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ के तरफ से ऑब्जर्वर के रूप में श्री दिग्विजय जी पधारे थे और यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव के श्री अशोक अग्रवाल जी थे और उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक इस चुनाव को संपन्न कराया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को, उनके पदाधिकारियों को, उनके सभी सदस्यों को कि सबने मुझे निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। इसके लिए मैं पूरे एसोसिएशन का बहुत बहुत आभारी हूँ और हमारे जो एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, कोषाध्यक्ष हैं और जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह हैं, सारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। और हम सभी लोग पूरी टीम भावना से काम करते हुए छत्तीसगढ़ में सभी खेलों को आगे बढ़ाएंगे और संघ का ये प्रयास होगा कि आने वाले ओलंपिक में छत्तीसगढ़ का भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक पार्टिसिपेट करे और वहाँ से मेडल जीत के लाए। हाँ, माननीय नितिन गडकरी जी भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं और जितना जो आज छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे और भारतमाला ये सब जो सड़कें आज दिख रही हैं, सब भारत सरकार और गडकरी जी की देन है। और आगे और छत्तीसगढ़ में मतलब NH के क्षेत्र में, भारतमाला क्षेत्र में और अच्छा काम हो, इसके लिए उनके साथ कल बैठक निश्चित हुआ है।